नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। 6 साल के बच्चे ने 5 साल की बहन के सिर पर मार दी गोली। अमेरिका में 6 साल के बच्चे ने अपने से छोटी बहन को मार दी, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब घर में बच्चे के माता पिता सो रहे थे, उसी समय बच्चे ने बंदूक निकाल ली और छोटी बहन को मार दिया। उसके पेरेंट्स दोनों बच्चों को शूटिंग की ट्रेनिंग दिला कर लाए थे। अमेरिका में 6 साल के बच्चे ने अपनी 5 साल की बहन को घर के अंदर ही गोली मार दी, जिसके बाद घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 मील नॉर्थ ईस्ट के गुंसी में मंगलवार की दोपहर सिर पर बंदूक की गोली से घायल लड़की की खोज की। उसे पूर्वी इंडियाना के आईक्यू हेल्थ बॉल मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता जैकेब ग्रेसन ने बताया कि उसके 6 वर्षीय बेटे ने तिजोरी से 2 भरी हुई बंदूकों में से एक को उठाया और अपनी बहन को गोली मार दी। डिप्टी पुलिस चीफ मेलिसा क्रिसवेल ने बताया कि ग्रेसन और उसकी पत्नी कम्बलिनी ग्रेसन पर बच्ची की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई है और उपेक्षा के 3 अन्य मामले भी सामने आए। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसे अपने माता पिता के बेडरूम में तिजोरी की चाबी मिली और जब उसकी माँ सो रही थी तो उसने बंदूक उठा दी। माता पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे ने पहले तिजोरी खोल दी और क्रिमिनल गेसन ने कहा कि वह और उसके पति लड़के को एक बंदूक चलाने के तरीके सिखाने के लिए एक शूटिंग रेंज में ले गए थे। गन सेफ्टी के लिए एडवोकेसी ग्रुप एरी टाउन द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक यूएस में बच्चों द्वारा अनजान में के कम से कम 158 गोलीबार की घटना हुई है, जिससे 68 मौतें और 99 लोग घायल हो गए हैं। इस महीने की शुरुआत में ही 8 वर्षीय लड़के की उसके 5 वर्षीय भाई ने एक घर में गोली मार कर हत्या कर दी थी। बीते महीने फ्लोरिडा में एक मॉडल में 8 साल के लड़के ने गलती से 1 साल की बच्ची की गोली मार कर हत्या कर दी थी और 2 साल की बच्ची को घायल कर दिया था। 6 साल के बच्चे ने 5 साल की बहन के सिर में मार दी गोली। अमेरिका में 6 साल के बच्चे ने अपने से छोटी बहन को मार दी गोली, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब घर में बच्चे के माता पिता सो रहे थे, उसी समय बच्चे ने बंदूक निकाल ली और छोटी बहन को मार दी। उनके पेरेंट्स दोनों बच्चों को शूटिंग की ट्रेनिंग दिलाकर लाए थे। अमेरिका में 6 साल के बच्चे ने अपनी 5 साल की बहन को घर के अंदर ही गोली मार दी, जिसके बाद घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उनके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। WTTV की रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने 60 मील नॉर्थ ईस्ट में मुंसी में मंगलवार की दोपहर सिर पर बंदूक की गोली से घायल लड़की की खोज की। उसे पूर्वी इंडियाना के आईयू हेल्थ बॉल मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता जैकब ग्रेसन ने बताया कि उनके 6 वर्षीय बेटे ने तिजोरी से 2 भरी हुई बंदूकों में से एक को उठाया और अपनी बहन को गोली मार दी। डिप्टी पुलिस चीफ मेलिसा क्रिसवेल ने बताया कि ग्रेसन 28 और उनकी पत्नी क्रिमली ग्रेसन 27 वर्ष पर बच्ची की उपेक्षा का आरोप लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हुई और उपेक्षा के 3 अन्य मामले भी सामने आए। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसे माता पिता के बेडरूम में तिजोरी की चाबी मिली और जब उसकी मां सो रही थी तो उसने बंदूक उठा ली। माता पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे ने पहले तिजोरी खोली थी और किम्बर्ली ग्रेसन ने कहा कि वो और उनके पति लड़के को एक बंदूक चलाने के तरीके सिखाने के लिए शूटिंग रेंज में ले गए थे। गन सेफ्टी के लिए एडवोकेसी ग्रुप एवरी टाउन द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक यूएसए में बच्चों द्वारा अनजाने में कम से कम 158 गोलीबारी की घटनाएं हुई है, जिसमें से 68 मौतें और 99 लोग घायल हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में ही 8 वर्ष के लड़के की उसके 5 वर्षीय भाई ने अकार्सस के एक घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीते महीने
फ्लोरिडा में एक मोटल में 8 साल के लड़के ने गलती से 1 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 2 साल की बच्ची को घायल कर दिया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाई कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।